जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस 11 के बाद से ही बेनाफ्शा सोनावाल और प्रियांक शर्मा की जोड़ी काफ़ी चर्चाओं में थी। आपको बताया दोस्तों, प्रियांक शर्मा के यूं तो लाखों फैंस हैं, तो हमें बेनाफ्शा सोनावाल के भी काफ़ी लाखों फैंस हैं, जहां सोशल मीडिया पे दोनों एक्टिव रहते हैं अपने पर्सनल और अपने प्रोफेशनल काम को लेके, जहां पे उसकी अपडेट देते रहते हैं। लेकिन इसी बीच बेनाफ्शा की तरफ से हमें एक ऐसी वीडियो रिलीज़ देखने को मिली है, जहाँ पे यानी कि वीडियो दिखाई गई है, वायरल वीडियो, जो लोगों को बेहद ही पसंद आ रही है। और साथ ही साथ ये बताती हुई दिखाई दे रही है किस प्रकार से बेनाफ्शा और प्रियांक शर्मा एक दूसरे के कितने करीब है, जहाँ पिछले कुछ सालों से इनके रिश्ते की बात चलती आ रही थी, किस प्रकार से दोनों एक रिलेशनशिप में है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को नकारते हुए दिखाई दे रहे थे मीडिया वालों के सामने। लेकिन अब बेनाफ्शा की तरफ से इस वायरल वीडियो ने बता दिया है किस प्रकार से प्रियांक शर्मा और बेनाफ्शा एक दूसरे के कितने करीब हैं। जहाँ में इस वीडियो में देखने को मिला है कि बेनाफ्शा एक तरफ गाना गा रही है तो दूसरी तरफ प्रियांक शर्मा उस पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी अपनी कमर थिरकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया दोस्तों, बेनाफ्शा और प्रियांक शर्मा की जोड़ी को लाखों करोड़ों फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी बिग बॉस सीजन 11 के बाद से ही काफ़ी हिट और काफ़ी सुर्खियों में भी थी। लेकिन जहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्रियांक शर्मा के कुछ प्रोफेशनल काम के चलते इनके साथ कई ऐसे एक्ट्रेस के नाम जुड़ते हैं, जिसके चलते इनके करियर पर थोड़े दाग और धब्बे लग जाते हैं, लेकिन बेनाफ्शा और प्रियांक शर्मा की जोड़ी लोगों को बेहद ही पसंद आती है। इसी बीच लॉकडाउन के समय में एक दूसरे के साथ अपना मन पसंदीदा काम करते हुए नजर आए हैं, जहाँ पे नाचते गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से इनका बिहेवियर हमें बिग बॉस सीजन 11 में देखने को मिला था। बताया दोस्तों, इन्होंने एक कैप्शन भी लिखा था कि प्रियांक ने एक रेड हार्ट इमोजी के साथ लिखा कन्फर्मेशन, यानी कि उन्होंने बता दिया है किस प्रकार से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। आने वाले समय में इनकी शादी की खबरें या फिर इनके रिलेशनशिप की खबरें और क्या होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के लिए। धन्यवाद दोस्तों।